हेलो स्टूडेंट्स, अपना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का लेसन चल रहा है। उसमें आज के इस लेसन में अपन ने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे। सो वी स्टार्ट बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड क्लोराइड। आज का अपना ये टॉपिक है, इसकी प्रिपरेशन रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ये बेंजीन है, C6H5, इसमें एजो मतलब एन डबल बॉन्ड एन, और ये सीएल। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को एजोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए जो इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, और ये ही रिएक्शन जनरली सब जगह पे काम आती है। इसको हमें डाइएजोटाइजेशन के नाम से लन रखते हैं। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन किस पर होती है और कैसे होती है ये अपने को पढ़ना है। अपने पास ये देखिए, सबसे पहले एनिलीन NH2 ग्रुप लगा है रिंग में, ये एनिलीन है। एनिलीन पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं HNO2 प्लस HCl की, तब डाइएजोटाइजेशन होती है, और ये रिएक्शन 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। इस रिएक्शन में आप देखिए, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन माइनस हो गए हैं 2 ऑक्सीजन के साथ में। तो 2H2O माइनस करने पर आपके पास में क्या क्या बच गया है? देखो, ये NNCl, तो N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन रिएक्शन होती है। ये एक रिएक्शन यदि कोई स्टूडेंट याद करता है इसका, तो ये 2-3 जगह पे काम आती है, ये याद रहना चाहिए सबको। डाइएजोटाइजेशन का जो प्रोडक्ट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया है, इसके लिए अब अपन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज तैयार करेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन पढ़ा करते हैं फिजिकल स्टेट्स, कलर, ऑर्डर, सोल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली ये पॉइंट इनके आते हैं, इसलिए इनको प्रिपेयर करिए। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिजिकल स्टेट। आपको याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। नेक्स्ट अब पढ़ रहे हैं अपन कलर, व्हाइट कलर के होते हैं, का होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ऑर्डर, स्मेल ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस। एंड नेक्स्ट ये टॉपिक आ रहा है देखो सोल्युबिलिटी। यहां सोल्युबिलिटी के लिए जो है पॉइंट वो कुछ अलग और डिफरेंट टाइप का है। इसमें आपको 2 पॉइंट तैयार करने चाहिए। सोल्युबिलिटी के लिए या तो हमने कोल्ड वाटर लिया है या हमने हॉट वाटर लिया है। यदि हम हॉट वाटर लेते हैं तब तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड उसके साथ में रिएक्शन कर लेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, और कोल्ड वाटर यदि लिया है तो उसके अंदर ये सोल्युबल होता है। ये अलग अलग 2 पॉइंट है। यहां जब रिएक्शन होती है तो इसका प्रोडक्ट फिनोल बनता है, जो उसकी केमिकल रिएक्शन में आने वाला है। उसके बाद में अपन इसमें पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बेंजीन रिंग है इसमें, तो रेजोनेंस होगा, और जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मैंने आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक तैयार करवाया है। अब अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तैयार करेंगे, जिसमें काफी अच्छी रिएक्शंस इसके अंदर आपको मिलेंगी। और एल्काइल हैलाइड एल्कोहल वाला और एल्डिहाइड कीटोन वाला जो लेसन अपन ने पीछे पढ़ा है, उसकी कुछ रिएक्शंस भी यहां पर रिपीट होती हैं, सो उनको प्रिपेयर करें अपन।
देखिए सबसे पहले मैंने ये हेडिंग बना दी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उनमें आप ए टाइप की रिएक्शन पहले स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एन डबल बॉन्ड एन पर रिएक्शन होती है। अपन यू मान ले एक बार कि जैसे ये तो रिंग होगी बेंजीन रिंग और ये एन डबल बॉन्ड एन सी एल हो गया, एक तो यहां रिएक्शन करवाएं, ये तो एक बार ए टाइप मान लेते हैं अपन, और फिर एक यहां रिएक्शन करवाएं इनको बी टाइप मान लेते हैं रिंग वाले को। तो मैं पहले एक बार आपको ये ए टाइप की रिएक्शन बता रहा हूं, उसके बाद अपन ये बी टाइप की रिएक्शन शुरू करेंगे। ये वाले पढ़ रहे हैं, इन रिएक्शन में ए टाइप में नंबर फर्स्ट रिएक्शन आपको बता रहा हूं, सिंथेसिस ऑफ एराइल हैलाइड, सिंथेसिस ऑफ एराइल हैलाइड, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप एराइल हैलाइड बनाने जा रहे हैं। ये रिएक्शन तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया एन डबल बॉन्ड एन सी एल, इस पर हम अब अलग अलग टाइप से रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं। उनमें सबसे पहले यहां CU2 CL2 बोलिए क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर करवाते हैं तब अपने पास क्लोरोबेंजीन बनता है। ये मैंने Cl लगा दिया रिंग पे, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। आप यदि यहां क्यूप्रस क्लोराइड की बजाय CU2 Cl2 की बजाय Br2 ले लेते, क्यूप्रस ब्रोमाइड और ऑब्लिक HBr कर देते, तब ये N2 माइनस हो जाएगा और यहां प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अब मैं इस पर Br लगा रहा हूं और ये नेम आ गया देखो ब्रोमोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने की दोनों ही रिएक्शन अलग अलग नाम, अलग अलग रिएक्शंस एक ही नाम से जानी जाती हैं। इसको भी सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं और इसको भी सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, ये दोनों रिएक्शन एक ही नाम से हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन एक रिएक्शन लिखेंगे तो भी सैंडमेयर है, दूसरी लिखेंगे तो भी सैंडमेयर है, और दोनों को भी एक साथ में सैंडमेयर रिएक्शन बोला जाता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हुआ बोलो, क्लोरोबेंजीन होता है। किसकी रिएक्शन से, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की रिएक्शन से। मैं अब एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर कुछ चेंज कर रहा हूं, दोबारा से हमने इस पर ये रिएक्शन करवाई है, बट अब केवल कॉपर पाउडर ओब्लिक HCl है, HCl तो चेंज नहीं किया अपन ने, कॉपर ले लिया, क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पे कॉपर है। अभी भी अपने पास में प्रोडक्ट जो बनेगा वो देखिए क्लोरोबेंजीन है, Cl लगा है क्लोरोबेंजीन। और यदि आप इस पर ये रिएक्शन कॉपर पाउडर ओब्लिक HBr के साथ करवाते तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए Br लगा हुआ है, अपन इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। ये गाटरमान रिएक्शन हो गई, यहां पर ऊपर ये सैंडमेयर रिएक्शन थी, अब गाटरमान आ रही। उसके बाद मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर ये देखिए NaBF4 की रिएक्शन करवाई है, सोडियम बोरोफ्लोराइड। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उस समय देखो एक तो NaCl माइनस हो जाएगा, एक BF3 माइनस हो जाएगा, एक N2 माइनस हो गया, N2 NaCl और BF3, तो यहां पर F लग जाएगा,
तो जो प्रोडक्ट बना एरिल हैलाइड में वो एफ यानी फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बनाने की इस रिएक्शन को बाल्ज सीमान रिएक्शन बोलते हैं, बाल्ज सीमान रिएक्शन। बाल्ज सीमान रिएक्शन जो होती है उसका प्रोडक्ट फ्लोरोबेंजीन है, और इस पर एक रिएक्शन अपने को और तैयार करनी है जो कि अब मैं लिख रहा हूं पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन, जिसमें KCl माइनस हो जाएगा, N2 माइनस हो गया तो रिंग पर आयोडो लग जाएगा, आयोडोबेंजीन। ये आयोडोबेंजीन प्रोडक्ट बना है। तो कहिए कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से एरिल हैलाइड बनाया जा सकता है, और सभी चारों प्रोडक्ट बनते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन सभी, और इसमें तीन नेम रिएक्शन होती है, सैंडमेयर, गाटरमैन एंड बाल्ज सीमान रिएक्शन। ये आपकी फर्स्ट नंबर रिएक्शन बन गई है सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड्स। मैं नेक्स्ट सेकंड नंबर रिएक्शन में चल रहा हूं, ए रिएक्शन का सेकंड पॉइंट। ये ए रिएक्शन का जो सेकंड पॉइंट है उसमें अपन पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड का मतलब हो गया कि हमें बेंजीन रिंग में, यहां देखो ये NO2 ये ग्रुप लगाना है NO2, तो NO2 ग्रुप का प्रोडक्ट बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर अपने को किसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ये चीज देखनी है। देखो ये यहां आप यदि NaNO2 सोडियम नाइट्राइड NaNO2 की रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर, तब एक तो देखो ये NaCl माइनस हो गया, एक N2 माइनस हो गया, तब आपके पास प्रोडक्ट बन गया देखो माइनस NaCl माइनस N2, तो बोलिए नाइट्रो बेंजीन। आपको सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन ऐसे तैयार करनी है। ये ए में सेकंड रिएक्शन, मैंने थर्ड रिएक्शन शुरू की है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में। थर्ड नंबर रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ फिनोल। फिनोल बनाने के लिए अभी आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें भी ये टॉपिक आया कि अगर अपन हॉट वाटर ले लें HOH, ये गर्म जल ले लिया है, और इसके साथ जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखो एक तो HCl माइनस होना है, एक N2 माइनस होना है। अगर कोल्ड वाटर लेते हैं तब तो ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता, और यदि अपन हॉट वाटर लेते हैं तब यहां अपने पास में रिंग में ये OH बच जाएगा, जिसको आप बोलिए फिनोल, और माइनस कर दीजिए, बोलो माइनस HCl एंड माइनस N2, फिनोल बनाने की ये रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। नेक्स्ट नंबर फोर, हमें साइनाइड प्रोडक्ट बनाना है साइनाइड बनाने के लिए आपको देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर किसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ये आपको देखना है। ये N2 निकल जाए, यहां से ये Cl निकल जाए, अगर मैं KCl से इसकी रिएक्शन करवाऊं तो आपको रिंग पर साइनाइड मिल जाएगा, देखिए, और जब रिंग पर साइनाइड मिलेगा तो हमारा प्रोडक्ट बन गया बेंजीन के साथ में ये देखो साइनाइड। और नेक्स्ट नंबर फाइव केमिकल प्रॉपर्टीज में फिफ्थ नंबर रिएक्शन आ रही है, नंबर फाइव सिंथेसिस ऑफ
अलग अलग टाइप की रिएक्शंस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक इस प्रकार का रिएजेंट है जिसके अंदर आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो, इसीलिए अपन सिंथेसिस की रिएक्शन लिख रहे हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट अपन इसमें बना सकते हैं। तभी मैंने बोला कि पीछे वाले लेसन की जो रिएक्शन होती है वो लगभग रिपीट होती है। आपको थायोल बनाना है, यहां पर सिंथेसिस ऑफ थायोल। ओल एल्कोहल जो होता है ना उसमें अगर आप ऑक्सीजन की जगह पर एस लगा देते हैं तो थायो आ जाता है। अब थायोफिनोल, जैसे फिनोल बनाया तो अब थायोफिनोल बन सकता है उसकी जगह पर रिएक्शन में। आपको यहां बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है। देखो पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस पर रिएक्शन में अभी जैसे के एस एच की रिएक्शन करवा दू, के ओ एच की बजाय के एस एच ले लिया, तब आप के सी एल माइनस करें और एन टू माइनस करें। जैसे ही आपने N2 और KCl माइनस किया, रिंग में OS की जगह पे O की जगह पे S आ गया तो SH लग गया तो थायोल बन गया, थायोफिनोल। अगर OH होता तो फिनोल बोलते, S लग गया तो थायोफिनोल बोला जाएगा। नेक्स्ट आपको नंबर सिक्स रिएक्शन तैयार करनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इस पर जब अपन ने एल्कोहल से रिएक्शन करवा करके ऑक्सीडेशन दिखाए ये, तो इसके द्वारा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से और हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से यदि हट गया तो ये इसका ऑक्सीडेशन बन रहा है। और ये दोनों हाइड्रोजन इधर इस पर काम आ जाएंगे, एक तो HCl निकल जाएगा, एक रिंग पर जुड़ जाएगा H, H जैसे ही रिंग पर जुड़ा तो ये तो देखो बन गया बेंजीन। एक H यहां से Cl के पास जुड़ गया तो एक बन गया HCl। एक यहां से N2 जो है ये बाहर हो गया N2, तो देखो बेंजीन बना, HCl बना, N2 बना, और यहां क्या बच गया सिर्फ एच और एच निकलने से, बोलिए CH3CHO एल्डिहाइड बना। तो कहिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया है, दोनों हाइड्रोजन इसमें से निकल गए तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट नंबर सिक्स, मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन पढ़ेंगे अब अपन नंबर सेवन में। ये रिडक्शन की रिएक्शन आ रही है, जब अपन रिडक्शन पढ़ेंगे तो देखो रिडक्शन में आपने पहले से तैयारी कर रखी है कि ये देखो यहां डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड को अपन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो H H और H जुड़ेंगे, जितने भी H यहां पर काम आएंगे वो अपन इसके अंदर देख लेंगे। यहां प्रोडक्ट के टाइम पर N और N, तो इसको कितने H मिले, बोलिए वन, इसको कितने H मिले, बोलो टू, और एक H किसको मिल गया Cl को, ये वाला प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट को अपने को पढ़ना है, ऐसे बोलो NH2, NH2 जो होता है इसका नाम है हाइड्रेजिन, हाइड्रेजिन का H हटा करके अपने C6H5 लगा दिया तो C6H5 बोलो फिनाइल, तो फिनाइल हाइड्रेजिन प्रोडक्ट आ गया है। आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की ए टाइप की रिएक्शन बताई है मैंने, जिसमें फंक्शनल ग्रुप एन डबल बॉन्ड एनसीएल पर रिएक्शन हो रही है। अब आप बी टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें बेंजीन रिंग पर रिएक्शन होगी उसकी पैरा पोजिशन पर, जिसको अपन कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, युग्मन अभिक्रियाएं जो होती है उनको अपन तैयार कर रहे हैं। प्लीज नेक्स्ट आ रही है रिएक्शन नंबर बी। बी रिएक्शन में अपन कपलिंग रिएक्शन तैयार कर रहे हैं, युग्मन अभिक्रिया बोलते हैं अपन इसको। इनमें नंबर फर्स्ट रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विद फिनोल, फिनोल के साथ अपन इसकी कपलिंग रिएक्शन यदि दिखाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैसे रिएक्शन होगी देखना। ये रिंग है अपने पास, इसमें N डबल बॉन्ड NCl लगा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस पर मैं
रिएक्शन करवा रहा हूं फिनोल की, ये फिनोल हो गया OH, फिनोल की ये ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन का एक्टिव H आपको दिख रहा होगा। कपलिंग रिएक्शन में फिनोल का हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से और ये HCl, HCl माइनस होने पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या होगा, N डबल बॉन्ड N पर रिंग लग जाएंगी दोनों साइड में, ये N डबल बॉन्ड N पर दोनों साइड में ये रिंग लगी है। तो एजो के साथ है यहां बेंजीन, इतने का नाम एजो बेंजीन है, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है एजो बेंजीन। एजो बेंजीन की ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी OH है, इसलिए अपन बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये प्रोडक्ट बन गया जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी, बोलो फिनोल की रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हुई है। मैंने इस रिएक्शन में चेंज कर दिया नंबर टू, अब मैं रिएक्शन करवा रहा हूं देखो एनिलीन, ये एनिलीन से रिएक्शन हो रही है। तो जहां आपने फिनोल लिया था उसकी जगह पर एनिलीन ले लीजिए, ये एनिलीन में OH ग्रुप नहीं होगा, NH2 ग्रुप हो गया। तो जो सेकंड नंबर रिएक्शन बनी उसका जो प्रोडक्ट आया उसमें ये OH की जगह पे NH2 ग्रुप लगा देता हूं। NH2 ग्रुप लगते ही पैरा पे हाइड्रोक्सी नहीं, बोलिए पैरा पे एमिनो, तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन प्रोडक्ट बन गया। अब आपको नेक्स्ट थर्ड नंबर रिएक्शन इसमें तैयार करनी है, ये कपलिंग रिएक्शन चल रही है, तो कपलिंग रिएक्शन में नंबर थ्री, थर्ड नंबर रिएक्शन पढ़िए, रिएक्शन विद एन एन डाई एल्काइल एमिनो बेंजीन, इस टाइप से रिएक्शन है। देखो ये अपने पास में रिंग में NH2 था एनिलीन, इस NH2 से हमने दोनों हाइड्रोजन हटा दिए और दो R ले लिए एल्काइल ग्रुप। जब अपन ये वाला लेंगे तो देखो N N डाई एल्काइल एनिलीन हो गया, ये N N डाई एल्काइल एनिलीन, एनिलीन था NH2 ग्रुप। इस पर जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तो देखो ये अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रहा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर हमने रिएक्शन करवाई है ये एनिलीन की, जहां NH2 ग्रुप था वहीं पे चेंज हुआ है बस, और तो कुछ चेंज नहीं है। ये दो एल्काइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं तो इसकी पैरा पोजिशन का ये एच है, इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाने से ये माइनस HCl हो गया, देखो माइनस HCl। तो अब जो प्रोडक्ट बना उसको मैं ऐसे नोट कर देता हूं, ये अपने पास में बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N, बेंजीन रिंग पर आगे N R एंड R, जो एजो बेंजीन है उसकी जो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन जो है उस पैरा पोजीशन के नाइट्रोजन पर दो एल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसका करेक्ट नेम बन गया, बोलिए पैरा पैराडेस, सॉरी पैरा पोजीशन पे एन एन डाई एल्काइल एन एन डाई एल्काइल एमिनो, NH2 ग्रुप था ना इसलिए एमिनो एजोबेंजीन, एमिनो एजोबेंजीन ये प्रोडक्ट आ गया। और अब इसकी ये लास्ट रिएक्शन बता रहा हूं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में रिएक्शन विद बीटा नेफ्थोल, रिएक्शन
रिएक्शन विद बीटा नेफ्थोल के लिए पहले अपने को बीटा नेफ्थोल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो जो नेफ्थेलिन होती है उससे ही नेफ्थोल बनता है। ये मैंने पहले एक बार देखी, ये स्ट्रक्चर देगी आपको नेफ्थेलिन कि ये अल्फा कार्बन तो ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर OH लगाने से ओल बीटा नेफ्थोल बन गया। बीटा नेफ्थोल का ये एक्टिव कार्बन जिस पर ये एक्टिव हाइड्रोजन है इस पर हमें रिएक्शन करवानी है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। तो ये मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में N डबल बॉन्ड NCl जो है वो इस H के साथ निकल जाएगा। तो देखो माइनस HCl कर रहे हैं अपन। अब जो प्रोडक्ट बना अपने पास में कपलिंग का वो इन दोनों को आपस में जोड़ करके लिख देते हैं। ये रिंग वन N डबल बॉन्ड N पर ये वाली रिंग जुड़ गई है। OH इसका जो नेम होगा वो फिनाइल एजो, फिनाइल एजो बीटा नेफ्थोल, फिनाइल एजो बीटा नेफ्थोल, ये प्रोडक्ट बन गया है। इस टाइप से अपन ने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी हो गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।